त्रिपुरा से लेकर के तमिलनाडु, कश्मीर से लेकर के आसाम तक हमारे बिहार के लोग मार खा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, सभी को पता है कि अचानक ही ऑल ऑफ सडन दुर्घटना था। वो जब इंग्लिश मीडिया और हिंदी मीडिया में जब तक खबरें आईं तब तक उनकी यात्रा हो चुकी थी, लेकिन बिहार के लोगों के साथ दुर्घटना हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और बिहार सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु में जिस तरीके से बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सवाल किया गया पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से तो उनका कहना है कि यह सवाल न तो सत्ता पक्ष से है न विपक्ष से है, जो लोग तमाम लोग बिहार में शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उन सबसे सवाल है, क्योंकि बिहार से लोग पलायन करते हैं और देखना उनको भी चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि बिहारी पलायन नहीं कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं और किस तरीके से जो बिहारी बाहर काम करने जा रहे हैं उनको लोग पीट रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। देखिए, यह सवाल तो बिहार के लिए सत्ता पक्ष का सवाल नहीं है, ना ही ये विपक्ष का सवाल है। इसलिए कह रहे हैं कि जो दल आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में थे, और जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में थे। लेकिन ये बिहार की दुर्दशा का जो कारण है और ये जो पलायन है, इसको पलायन के संदर्भ में देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में पलायन नहीं है, ये साबित हो रहा है कि पलायन है। करोड़ों लोग जो बिहार के बाहर जो मजदूरी कर रहे हैं कामगार के रूप में, कि हमारी जो बिहार के भीतर जो कृषि क्षेत्र का दुर्दशा, शिक्षा क्षेत्र की जो दुर्दशा, जिसका परिणाम है कि हमारे लोग बाहर जा करके पलायन करके काम कर रहे हैं, और त्रिपुरा से लेकर के तमिलनाडु, कश्मीर से लेकर के आसाम तक हमारे बिहार के लोग मार खा रहे हैं। सत्ता में बैठे हम लोग जो लोग हैं, और उसके लिए सभी उत्तरदायी हैं, भी मैं बता रहा हूँ, अकेले केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं, पूरे सभी लोग मिलकर संपूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए जो समेकित प्रयास होना चाहिए हम लोग करने में विफल हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है सुधाकर जी, कि जहाँ पे बिहारी को पीटा गया वहाँ पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जाकर मुख्यमंत्री से सम्मानित कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, इसमें विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, विपक्ष का सवाल करना ड्यूटी है और सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल करते हैं। अब एक घटना के समय नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, सभी को पता है कि अचानक ही ऑल ऑफ सडन दुर्घटना था, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाषाई समस्या होने से जो मीडिया है वहां की जो मीडिया हो वो खबरें यहां तक नहीं आती है, हमारी खबरें वहां तक जल्दी नहीं जाती। वो जब इंग्लिश मीडिया और हिंदी मीडिया में जब तक खबरें आईं तब तक उनकी यात्रा हो चुकी थी। इसलिए सवाल तो है ही। बिहार के DGP ने बयान भी दिया कि जो बैठे हुए जो उस राज्य के जो DG हैं उनसे बात होने के बाद उन्होंने, हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं वहाँ के DG कि इस तरह की घटना हुई नहीं, वो अपने राज्य का बचाव कर रहे हैं तमिलनाडु का, लेकिन बिहार के लोगों के साथ दुर्घटना हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और बिहार सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। तो अभी आप पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारा राज्य शिक्षा के मामले में, कृषि के मामले में पीछे रह गया, इसी को लेकर जो तमाम लोग हैं पलायन करते हैं, बाहर रोजगार के लिए जाते हैं और उनको किस तरीके से पीटा जा रहा वो सब लोग देख रहे हैं। सवाल केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, सवाल सबसे है कि अब तक क्या किए बिहार में। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।